हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, और वो डिजीज का नाम है, आपको मालूम है, उस डिजीज का नाम है वासीओरकर। ठीक है, वासीओरकर क्या होता है? ये माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों में ऐसा पाया जाता है जो हम उन्हें बैलेंस डाइट नहीं देते हैं। वासीओरकर का और सिम्टम क्या है, क्या याद है आपको सिम्टम? पहला पॉइंट इसका स्टंट ग्रोथ, दूसरा पॉइंट क्या था, स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली, तीसरा पॉइंट हेयर बिकम्स रेडिश एंड स्टार्ट फॉलिंग, और चौथा पॉइंट क्या था, उससे आगे क्या था, इट बिकम्स बॉडी स्वेलिंग बिकॉज बॉडी रिटेन्स वाटर, पानी, शरीर पानी को रोकना शुरू किया, डिस्चार्ज नहीं करता प्रॉपर, बॉडी स्वेलिंग हुआ, और उसके पेट का निकल जाना, लार्ज पॉट लाइक बेली, बल्जिंग ऑयल, आंख निकल जाता था, ये सभी वासीओरकर का डिजीज के सिम्टम थे। आज हम बताएंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिजीज, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिजीजेस का क्या नाम है, मरास्मस, मरास्मस। ठीक है बच्चों, अब आज हम पढ़ेंगे मरास्मस के बारे में। मरास्मस मरास्मस वासीओरकर के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था, मरास्मस। नाउ टेल मी व्हाट इज मरास्मस, बोलो तो, बड़ा सिंपल सी बात है सर, द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, सच डिजीज इज नोन एज मरास्मस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इन द डाइट ऑफ द चिल्ड्रन लीड्स टू द डिजीज कॉल्ड मरास्मस। द डिफिशियंसी 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 कॉज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स and fats in the diet of children results the disease मरास्मस। जनरली दिस डिजीज इज फाउंड जनरली इट इज फाउंड in 1 year old क्या बताया, generally it is found at the infant of 1 year old infant देखो बच्चों, ये marasmus disease 1 साल या उससे कम, 1 year or less, 1 year old or less, infant, newborn baby or infant में ये होता है, 1 year old। Now symptom क्या है, symptom of marasmus, of marasmus,
what are the symptom of marasmus? पहला सिम्टम बताओ. पहला सिम्टम इज बॉडी बिकम लीन एंड थिन. बॉडी बिकम्स लीन एंड थिन, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं और बिकम वेरी वीक. He or she becomes very weak hands, they cannot move. They cannot move. They become very weak. Has the child cannot move. अब उसका और सिम्टम क्या है? इसके स्किन ड्राई हो जाता, थिन हो जाता और रिंकल्ड हो जाता. स्किन बिकम ड्राई, थिन and wrinkled. The skin becomes dry, thin and wrinkled. Now ribs becomes prominent. Ribs become prominent. Ribs becomes prominent. So pay attention. Chapter disease aaya, body becomes lean and thin. He or she becomes very weak and hence they cannot move. Skin becomes dry, thin and wrinkled. उसके बाद रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, संकन आय. संकन आय और मेरास्मस डिजीज के और सिम्टम क्या हैं? बोलो. अनेबल टू डाइजेस्ट द फूड. मैंने क्या बताया? अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड. सो बच्चों, हमने आपको आज बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिजीज. ठीक है, अब हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे, अगले पोर्शंस में जो बताएंगे आपको, विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस. अगला टॉपिक है विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज मेरास्मस? मेरास्मस, व्हाट इज मेरास्मस? एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट and fat deficiency disease. Fat deficiency
और क्वेश्चन? नेम द डिजीज, और इफ ए पर्सन if the diet if the diet do not contain carbohydrate what disease a person likely to have? Individual likely to have okay, children. We will discuss in the coming class the protein deficiency, vitamin deficiency disease. Okay, so we are completing our portion. Vitamin deficiency diseases, we will do in the next class. Thank you.